एबीपीएस न्यूज। गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का कारवा जनपद कासगंज के ब्लॉक सोरो में स्थित देवरी प्रहलादपुर गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामवासियों ने अशोक यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 10,000 की आबादी व लगभग 4,000 वोटरों वाला यह गांव प्रधान के भरकस प्रयासों से विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में आज भी 300 परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो मौजूदा हालात में 56 हैंडपंप, 70 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 35 सोलर लाइटें गांव में लगी हुई हैं। वहीं वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक्रोड, तालाब के साथ साथ अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 घरों का निर्माण भी कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, कन्या इंटर कॉलेज, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से भी की है। मैं अशोक कुमार प्रधान, देवरी प्रहलादपुर, थाना सोरो, तहसील कासगंज, जिला कासगंज। मैंने अब तक जो कार्य निर्माण है वो 500 शौचालय, 7 आरसीसी और 1 खरंजा निर्माण, 35 सोलर लाइट्स और 2 आंगनवाड़ी शौचालय, मनरेगा से 5 कच्चे रास्ते निर्माण, 1 तालाब खुदाई जो भी चल रही है और नाली की सफाई और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था अभी हो नहीं की है नहीं। पंचायत घर का सौंदर्यीकरण कराना भी चाहता हूँ और 1 बरात घर की व्यवस्था कराना चाहता हूँ जो भी है नहीं। व्यवस्था है निकास की वो बहुत ख़राब है, वो हो ही नहीं पा रही है किसी भी तरीके से, वो बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर वगैरह तो आते ही नहीं हैं। और जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है जो कि लोगों ने दबा रखी है, दबंग लोगों ने दबा रखी है, और जो पंचायत घर की आस एक ज़मीन है उसके पास में वो भी दबा रखी है लोगों ने, लेकिन उसके लिए दबंग लोग हैं जो मतलब कब्जा हटा नहीं रहे। मैं यही चाहूँगा कि जो भी ज़मीन पर कब्जा करे हुए हैं वो उनका कब्जा हटवाया जाए। और जो राशन की व्यवस्था है, जो डीलर है हमारा साइन ही नहीं कराता, कम से कम 1 वर्ष हो गया मुझे, 2.5 साल बने हुए प्रधान बने, 1 वर्ष से मेरे पास साइन ही नहीं कराता है। पता नहीं कौन से अधिकारी से करा लाता, मैंने तहसीलदार साहब से ही पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं मेरे पर नहीं करा के लाता है। DS साहब से पूछा, उन्होंने ही मना कर दिया कि मेरे से नहीं कराता है। लेखपाल साहब से पूछा, उन्होंने ही मना कर दिया कि मैं नहीं कराता। पता नहीं फर्जी कराता है क्या कराता है, मुझे नहीं जानकारी। अगर उससे कहो तो जनता से बोल देता है कि प्रधान जी पैसे मांगते हैं। आज तक कभी उससे मैंने तो कभी मांगा ही नहीं। मैंने तो यही कह देता हूँ भाई, जो गरीब हैं लाभार्थी उनके लिए जो बचे हैं जो भी है वो उन्हें दे दिया करो। फिर भी मतलब पता नहीं इलेक्शन के चक्कर में वो ऐसा ही रहता है।